प्रशांत जी, राजीव जी, वोट बैंक की गणना तो मतलब थोड़ा मुश्किल है इस वक्त, अभी टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है तो दो तीन बातें हैं। तो आपने जो यूथ का सवाल उठाया, उत्तर प्रदेश का उठाया, तो जैसा आप बता रहे हैं कि यात्रा का जो रूट है वो किसान आंदोलन की जमीन से जा रहा है, और किसान आंदोलन की जमीन में पहले से ही बहुत गर्मी है, और उसका असर आपको यात्रा की संख्या में और उत्साह में दिखाई देगा, क्योंकि तो किसानों का गुस्सा भी बरकरार है, क्योंकि तो उनकी बड़ी डिमांड एक पूरी नहीं हुई है, जो कि MSP का कानून बनाने की मांग थी। उसमें सरकार पीछे हट गई, उनसे वादा करने के बाद भी पीछे हट गई। दूसरा कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां हैं, देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को लगता है कि उसका आधार न खिसक जाए। अच्छा, समाजवादी पार्टी और BSP को तो अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर कांग्रेस का आधार बढ़ेगा तो उन्हीं का घटेगा, BJP का भी कुछ घटेगा लेकिन उनका भी घटेगा। अगर आप चुनावों के इतिहास को देखें कि जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ करती थी तभी पार्टियां नहीं थी, तो वो इन्हीं की कीमत पे बढ़ेगी कांग्रेस, तो वो इस बात को जानते हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन उसी के मद्देनजर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो जनाधार है वो खिसक जाए। लेकिन ये यात्रा की ज्यादा मुलाकात जयंत चौधरी के इलाके में होगी, और जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के जो तीन चार मुख्य प्लेयर हैं राजनीति के, उसमें वो सबसे कम कंफ्यूज आदमी है, और बहुत वैचारिक रूप से वो अपने पिताजी से भी अलग हैं। उनके पिताजी तो इधर उधर जाते रहे, लेकिन जयंत चौधरी की के पास बड़ी क्लैरिटी है वैचारिक रूप से, और वो किसान आंदोलन के दौरान बनी है, तो इसलिए जयंत चौधरी का समर्थन मिलेगा, उसमें मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां तक यूथ की बात है राजीव जी, इस देश में 27.8 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई व्यवस्थित रोजगार नहीं है, और ये व्यवस्थित रोजगार अगर उनको मिल जाए तो GDP देश की 16% बढ़ जाएगी, लेकिन व्यवस्थित रोजगार नहीं मिलेगा या नहीं है, उसका एक तो प्रमाण दे दिया 80 करोड़ लाभार्थी बनाकर, जो फ्री राशन जिनको मिलेगा। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा कि 27 मतलब लगभग करोड़ लोग बेरोजगार है देश में, 80 करोड़ लोगों को सरकार के राशन पर आश्रित है, मतलब लगभग शहरी मिडिल क्लास को छोड़ के पूरा देश अपने राशन का को जुटाने में असमर्थ है। ये स्थिति आई कैसे? ये स्थिति नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की वजह से आई, और अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो सबसे अमीर 20 लोग हैं, उनकी इनकम बढ़ी है, और जो सबसे गरीब 20% लोग हैं, उनकी इनकम घटी है, और जिसका नतीजा आपको दिख रहा है कि 80 करोड़ लोगों को जो है वो फ्री अनाज की व्यवस्था की जाएगी जिनके लिए 1 साल तक। और वो जाहिर सी बात है कि सुनील शुक्ला जी आपके आए थे, उन्होंने कहा था कि ये 2024 तक ले जाएंगे। जी उन्होंने एक और बहुत बढ़िया बात बताई थी कि जो ये जो लाभार्थी योजना का बड़ा शोर मचा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, 50 सीटें BJP कम हुई, उसमें अधिकांश सीटें वहाँ कम हुई जो बहुत गरीब जिले हैं, और उन गरीब जिलों में लाभार्थी योजना के बावजूद लोगों ने BJP के खिलाफ वोट दिया, दूसरी पार्टियों को वोट दिया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, जैसा कि तमाम जो गोदी मीडिया है या दूसरा जो इनका चाटुकार मीडिया है वो लिख रहा है, क्योंकि तो उनको विज्ञापन मिलते हैं लाखों करोड़ों के, लेकिन डेटा नहीं ये कह रहा है कि लाभार्थी योजना जो है वो कोई श्योर शॉट जो है वो रामबाण है, और लाभार्थी योजना भी इस यात्रा के दबाव में ही लाई गई है।
तीसरा एक बड़ा सवाल देखिए कि 2024 में यात्रा जो काम कर रही है वो युवाओं के अंदर एक चेतना तो जगाती है यात्रा ने, जिसका जी असर हमको दिखाई देगा। और 2024 के चुनाव में राजीव जी दो बहुत प्रमुख मुद्दे बीजेपी को सामना करना पड़ेगा, और वो दो प्रमुख मुद्दे होंगे। एक तो चीन का मामला, क्योंकि चीन का मामला बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, ये आगे और बढ़ सकता है। और दूसरा आर्थिक पहलू, और उस आर्थिक पहलू में बहुत क्लियर रोड मैप राहुल गांधी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर की बातचीत से रघुराम आ राजन गया, जी। रघुराम की बातचीत से वो आ गया। वो बड़ा क्लियर रोड मैप है कि इस देश की इकोनॉमी कैसे रिवाइव हो सकती है। आप देखिए ना कि जीडीपी घट रहा है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है। जीडीपी गरीबी घट रही है, 80 करोड़ लोग अनाज भी अपना जुगाड़ करने में असमर्थ हैं, लेकिन अडानी विश्व के दूसरे या तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। तो जी ये जो पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, ये नरेंद्र मोदी की नीतियों से हुआ है। तो नीतियां साफ है कि उनको चुनाव लड़ने का पैसा चाहिए। उन्होंने बीजेपी को और सरकार को चुनाव लड़ने की मशीन बना दिया है। ये यात्रा इन सब रही। और आखिरी बात जो टी शर्ट की बात है, देखिए टी शर्ट में मैं सर्दी गर्मी की बात अभी उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि प्रकृति का सम्मान जो है राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि तो नेचर से लड़ना को समझ, लेकिन और हर व्यक्ति की अपनी अपनी सहन शक्ति होती है। जी लेकिन जो टी शर्ट है उसका दूसरा एक बड़ा जो सिंबॉलिक वो है, मतलब कि जो दिन में 5 बार कपड़े बदलने का, डिजाइनर कपड़े पहनने का जो चलन है, जो अपने नाम के सूट लाखों रुपए के पहनने का जो चलन है, उसका ये राजनीतिक जवाब है। जी जिसको आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने शुरू में कहा था कि सूट बूट की सरकार है, तो ये सूट बूट की सरकार का नरेंद्र मोदी के जो दिन भर फैंसी ड्रेस चलते हैं, कि अगर उनको तीन कार्यक्रमों में जाना है तो तीन तरीके के कपड़े पहनेंगे, वो उसका जवाब है कि जैसा आम आदमी रहता है, और हम आप भी जो कपड़े सुबह पहनते हैं दफ्तर जाते हैं, आप भी दफ्तर आए हैं, तो वही कमीज वही पैंट हम लोग पहने रहते हैं शाम तक। दिन में 3 बार कपड़े कोई नहीं बदलता, फिल्मी कलाकार बदलते हैं, उनको अलग अलग रोल करने होते हैं। सामान्य व्यक्ति जो चाहे वो नौकरी करता हो, मजदूरी करता हो, दफ्तर में काम करता हो, कोई और जो पेशा करता हो, वो दिन में 3 बार घर वापस नहीं आता कपड़े बदलने के लिए। तो ये बड़ा एक सिंबॉलिक जो संकेत है राहुल गांधी की टी शर्ट से, वो ये जाता है, ये संस्कृति के खिलाफ है। ये जो दिन में 5 बार जो फैंसी ड्रेस कार्यक्रम चलता है, इसके खिलाफ है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं, जो विश्लेषण आप